बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप? मैं अल्लाह की फजल करम से आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको बिल्कुल ठीक रखे, खुश रखे, बात रखे, आजमाइशों से चाहे बीमारियों से चाहे, आमीन। तो आप सबको आज की सुबह बहुत मुबारक, क्योंकि आज बहुत ही सीन और मज़े की सुबह। और अभी अभी मैंने किचन की सफाई, और इसलिए थोड़ा सा किचन गीला है। और सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, हम आज जो वो करेंगे चाकू छुरियाँ तेज़। तो जिसने चाकू छुरियाँ तेज़ करवानी है वो जल्दी से कलेक्ट कर ले, क्योंकि अभी इनकी आज जो वो बारी आ चुकी है। लेकिन इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि आज हम बना क्या रहे हैं। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़े का खंदेशी चिकन। तो फिर आप हर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे हर डे पे मतलब इंजॉय कर सकते हैं खंदेशी चिकन की बहुत ही ख़ास रेसिपी, जो कि आपके लिए टोटली तौर पे डिफरेंट होगी। और आप ये जो आप वो जब बनाएंगे तो आप सबको बहुत पसंद आएगी। तो फिर इस वीकेंड पे, इस वीक में जब भी आपका कुछ खाने का दिल चाहे और तो आप जो वो बिल्कुल रेस्टोरेंट नहीं जाएंगे, आप बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और स्पेशल खंदेशी चिकन, वो भी घर में और बहुत ही जल्द। जी हाँ, जिसके लिए सारे मसाला जात हम कर चुके हैं कलेक्ट, और बस अभी हम क्या करने वाले हैं, चिकन। चिकन आपको ज़रूर चाहिए, क्योंकि चिकन आपने लेना है लेग साइड का। और एक किलो की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसमें मसाला जात जो है वो मैं आपको दो किलो के बनाना सिखाऊंगी, जिसे आप जो है वो स्टोर कर सकते हैं एक वीक के लिए, उसके बाद आप इसको इंजॉय कर सकते हैं जब भी दोबारा चाहें एक वीक के अंदर अंदर। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ एक अदद जलवत्री और जायफल है कि जलवत्री है, इन दोनों में मुझे बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है। और इसका जो है वो हमने कवर दाने के बाद इसको लाइट से रोस्ट कर लिया। सौंफ ली हमने यहाँ तकरीबन 1/3 खाने का चम्मच, और इसको हम कर लेंगे लाइट सा रोस्ट। और इसी के साथ हम यहाँ लेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लौंग, 4 से 5 अदद आप जो है वो लौंग ले लें, बड़ी इलायची ले लें 1 से 2 अदद, एक फूल ले लें 23 पत फूल ले लें, और साथ ही साथ आप ले लें यहाँ जीरा। तो इन मसाला जात को आपने हल्के हल्के से बहुत ही प्यार से रोस्ट कर लेना है। अगर आपने यहाँ धनिया को रोस्ट नहीं किया हुआ, मेरे पास ऑलरेडी धनिया रोस्ट था, तो वो भी आपने साथ ही शामिल कर लेना और इसको भी रोस्ट कर लें, ताकि इसकी नमी जो है वो ख़त्म हो जाए। और नमी जब जैसे आपको लगे कि इसकी नमी ख़त्म हो गई और ये बहुत अच्छे से रोस्ट हो चुका है, तो इसको जाली लेंगे। उसके लिए हमें चाहिए कोकोनट। कोको मैंने कहा था लास्ट वीडियो में, किसी ने पूछा जी क्या कोको कह दिया, कोका कह दिया, कोका नहीं कहा था, कोको कहा था जी। और साथ ही हमने जो है वो नमक शामिल कर दिया, चिकन को हमने लगा दिया नमक, सुरख मिर्च लगा दी 1 खाने का चम्मच भर के, और साथ ही साथ हम यहाँ कोको को जो है वो चेक करते रहेंगे, मतलब उसको हम जो है वो हल्के हल्के से सारी साइड से पकाएंगे जब तक ये इसका आउटर लेयर जो है वो ब्लैक ना होना शुरू हो जाए। इसी के साथ हम यहाँ लगाएंगे हल्दी पाउडर 1/3 खाने का चम्मच, और साथ ही साथ हम लगाएंगे ऑयल, कुकिंग ऑयल जो भी आप इस्तेमाल करते हैं आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल ज़रूरी नहीं है। तकरीबन 2 खाने के चम्मच आप जो है वो लगाएंगे ऑयल के, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे जब तक मसाला जात अच्छे से चिकन के साथ चिपक ना जाए। तो यहाँ मसाला जो चिपक चुके हैं, और अभी हम इसको कवर करके छोड़ रहे हैं तकरीबन 1/2 घंटे के लिए, और तब तक हम जल्दी से बाकी मसाला जो है वो तैयार कर लेते हैं। ये देखिए हल्के हल्के सा हो गया ना ब्लैक, इसी तरह से हमें सारे को जो है वो लाइट लाइट सा ब्लैक ब्लैक करना है, मतलब कि इसको हमें कोयले पर पकाना है। तो अगर आपके पास ये फैसिलिटी है कोयले पर कुकिंग करने वाली, तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। गैस स्टोव को आप जितना मर्ज़ी इस्तेमाल करें वो टेस्ट नहीं आता जो आना चाहिए। तो अच्छे अच्छे से हमने इसको सारी साइड से पका लिया है, और यूं ही हम इसको पकाने के बाद इसको करते हैं साइड पे। और अभी हम जल्दी से प्याज 3 अदर हम लेंगे मीडियम साइज़ के प्याज, और उसको भी हम अच्छे से पका लेंगे जब तक इसकी आउटर लेयर जो है अच्छे से जल ना जाए। और लेकिन आपने इसको हल्की आंच पे पकाना है, क्योंकि अगर आप फ़ौरन से इसको जला देंगे ना, तो फिर अंदर से ये कच्चा होगा, वो टेस्ट नहीं आएगा जो आना चाहिए, वो चश नहीं आएगी। तो फिर इसलिए आपने इसको जो हल्की आंच पे पकाना है। अभी हम इसकी कर लेंगे सफाई, मतलब इसके जो ब्लैक ब्लैक पार्ट है उसको हम रिमूव कर लेंगे, और अंदर से जो रोस्टेड पार्ट है ना वो हमें चाहिए, बहुत ज़रूरी है वो। तो ये बहुत ही ख़ास रेसिपी है, और आप लोग ये जानते हैं कि जिन लोगों ने कमेंट किया उसके लिए दुआ करना बहुत ज़रूरी है, तो चले उनके लिए दुआ कर लेते हैं। हमारे बहुत ही खास व्यूवर जिनका कहना था कि दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला मुझे नेक साल फरमा बदर औलाद अता फरमाए, आमीन। कुछ व्यूवर्स है जिनका कहना था कि दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला मुझे अपना घर दे दे, बहुत देर से कोशिश में है अल्लाह ताला के हम अपना घर बना रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है वो नाकाम है। अल्लाह ताला उनके लिए अच्छा सा पुरसकून अमन वाला जो है वो घर सेलेक्ट कर दे उनके लिए, और उनकी ज़िंदगी में हमेशा के लिए खुशियां आ जाए, आमीन। गार्लिक और लहसुन को, गार्लिक को हमने जो है वो क्रश कर लिया, साथ ही साथ हमने जो है वो अदरक को भी क्रश कर लिया।
दवाओं में कुछ आपको डिटेल बतानी दूरी रह गई। और इसी के साथ हम लेंगे टमाटर, टमाटर लेंगे हम यहाँ मीडियम साइज़ का एक अदद, और साथ ही साथ कढ़ाई के गर्म होते ही हम यहाँ शामिल करेंगे ऑयल। अगर आप मिट्टी की हंडिया में या कढ़ाई में खाना बना रहे हैं तो बहुत मज़े का बनेगा, ज़रूर बनाएगा अगर आप बना सकते हैं। अगर आप गैस स्टोव का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप हल्की आंच पे पकाएंगे तो फिर इसको कुछ भी नहीं होगा और खाना एकदम परफेक्ट और मज़े का बनेगा। लेकिन कोशिश करें कि आप लकड़ी की आग पे बनाएं, क्योंकि इसका जो मज़ा है वो अपना ही अलग से टेस्ट है। मिर्ची लेंगे 4 से 5 तो उसको मिर्ची कट लगाने के बाद दो बराबर हिस्सों में आपने काट लेना है। और साथ ही साथ आप लेना है सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया आपने कितना लेना है ले लें आप एक कटोरी भर के। ऑयल के गर्म होते ही हमने यहाँ तेज़पत्ता शामिल कर दिया, और साथ ही साथ हम ये शामिल करेंगे टेस्ट ब्लॉकर जो कि है सब्ज़ मिर्च, और साथ ही साथ हम ये शामिल करेंगे जीरा। जीरा तकरीबन आपने 1/3 खाने का चम्मच यहाँ शामिल करना है। अदरक लहसुन का पेस्ट जो कि हमने फ्रेश शामिल बनाया और शामिल कर दिया। जी हाँ, आपको ये बताती चलूँ, जो फ्रेश चीज़ों का टेस्ट होता है वो कभी भी स्टोर चीज़ों का टेस्ट नहीं हो सकता, इसलिए आप हमेशा फ्रेश चीज़ों का इस्तेमाल करें। लाइट फ्राई करने के बाद हम ये शामिल कर रहे हैं टमाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर जो आपने छोटा छोटा सा काट लेना है, और इसी के साथ हम ये शामिल करेंगे नमक। नमक आपने हल्के से शामिल कर देना ताकि जो हम चीज़ें फ्राई कर रहे हैं ना, रोस्ट कर रहे हैं, वो अच्छे से हो जाएं फ्राई, और इनका जो टेस्ट है ना, टेक्सचर, वो बहुत ही यूनिक हो जाए। और साथ ही साथ हम यहाँ जो है वो इसको लाइट फ्राई करने के बाद शामिल करें मैरिनेट किया हुआ चिकन, और चिकन को हम जो है वो अच्छे से भून लेंगे, मतलब जब तक इसमें से ऑयल जो है वो अलहदा ना होना शुरू हो जाए। तो अच्छे खाने का एक निशानी ये भी है कि आप अच्छे से चीज़ को जो है वो पकाएं जब तक ऑयल जो है ना एकदम तरी ना माना हो जाए, मतलब कि तरी ना बन जाए। इसको मैं कवर कर रही हूँ ताकि थोड़ी देर के लिए मैं इसको स्टीम कर लूँ। और साथ ही साथ हम यहाँ लेंगे एक अदर ब्लेंडर और ग्राइंडर, इसमें शामिल करेंगे धनिया। धनिया तकरीबन मैंने यहाँ शामिल कर दिया फ्रेश 1.5 मुट्ठी। और साथ ही साथ हम यहाँ शामिल कर रहे हैं जी प्याज। प्याज ये वही है जिसको हमने स्टीम किया था, और साथ ही साथ जो हमने करी को स्टीम किया था ना, वो भी काट के छोटे छोटे पीस में रख लेंगे। और यहाँ चिकन को हम साथ साथ पका रहे हैं, और यहाँ इसके साथ हमने शामिल कर दी काली मिर्च। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे हमने फ्राई किए हुए रोस्ट किए हुए मसाला जब भी शामिल कर दी, और धनिया हमें शामिल कर दी यहाँ 3 खाने के चम्मच, कसूरी मेथी शामिल कर दी 1/2 खाने का चम्मच, लहसुन के जो पीस थे वो भी शामिल कर दिए। साथ ही साथ हमने यहाँ जो है वो इसको अच्छे से क्रश कर लिया है, और अभी हम यहाँ एक एक दो दो पीस करके ना कोको का भी साथ शामिल करते जाएंगे ताकि ये भी साथ ही हो जाए क्रश। पानी शामिल कर लिए थोड़ा सा ताकि इसका एकदम स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो जाए। तो यहाँ चिकन कैसा हुआ, चिकन ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया, तो बस अभी हमें क्या करना है, इसमें शामिल करना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अदरक। अदरक को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया, तकरीबन 1 इंच आपने यहाँ अदरक लेना है। और चिकन को अभी हम पकाएंगे पानी के खुश्क होने तक। खुशबू माशाल्लाह से बहुत अच्छी आ रही है, और आप ये ज़रूर बनाइएगा और हमें अच्छा सा फीडबैक ज़रूर कर दीजिएगा। अभी हम इस मसाले को निकाल लेते हैं कटोरी में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मसाला जो हमने बनाया है वेट मसाला, ये 1 किलो चिकन के लिए नहीं है, ये 2 किलो चिकन के लिए है। और यहाँ अभी हम टोटली तौर पे इसका पानी को करेंगे ड्राई, और लेकिन मैं इसको हल्के हल्के से स्टीम इसलिए लगा रही थी ताकि ये तकरीबन 60% जो है वो पक जाए यहीं। तो चिकन को हमने 60-70% पकाने के बाद चूल्हे से रिमूव कर लिया। कढ़ाई हमने एक अदद ली, इसमें ऑयल शामिल कर दिया तकरीबन 2 खाने के चम्मच, और अभी हम यहाँ शामिल करेंगे ये मसाला। मसाला आपने हाफ शामिल करना है, आधा मसाला आपने बचा लेना है, क्योंकि जब आप दोबारा चाहेंगे ना, फिर दोबारा से आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी दोबारा खाने के लिए। आपको जो है वो स्टोर जो है वो मसाला मिल जाएगा, आप फ़ौरन से बस चिकन को पकाएंगे चंद मसाला जात के साथ, और उसके बाद आप ये मसाला तैयार कर लेंगे। अभी हम इस मसाले को अच्छे से भून लिया, तकरीबन इसके अच्छी तरह से कलर चेंज होने तक, खुशबू मज़ेदार से आने तक। उसके बाद हमने यह शामिल किया ऑयल 2 खाने के चम्मच, और 1 खाने का चम्मच बेसन, जिससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और इसी के साथ हमने वही बर्तन को धो के थोड़ा पानी शामिल कर दिया। अच्छे से हमने बेसन को भून लिया है उसकी खुशबू आने तक, और अभी हम इस पानी को अच्छे से जोश देंगे। जब तक ये गर्म नहीं हो जाता तब तक हम क्या करेंगे, पकड़ेंगे अपने चिकन को, और गर्म होते ही इसमें चिकन शामिल कर देंगे विद मसाला। तो कितना यूनिक हो गया ना, अभी देखें, अभी से इसकी लुक इतनी अच्छी होने लगी है और इसकी खुशबू इतनी अच्छी आने लगी है। तो जब ये प्रॉपर पक जाएगा फिर क्या होगा सीन, वो आप सोच सकते हैं, खा सकते हैं बना के। अभी हम यहाँ नमक शामिल करें टेस्ट के मुताबिक, और उसके बाद हल्के से चम्मच चलाएंगे, और बस
इसको करते हैं अभी हम कवर और दम पे पकाएंगे इसको पूरे 7 मिनट तक। ठीक हो गया? जी हाँ बिल्कुल ठीक। तब तक मैं क्या करने वाली हूँ, मौसम्मी को इंजॉय करने वाली हूँ। मेरी जान है मौसम्मी में, और मौसम्मी का सीज़न आते ही मेरा दिल खुश हो जाता है, मैं शादबाद हो जाती हूँ। आप लोग भी ज़रूर खाया करें, बहुत अच्छी होती है, बहुत मज़े की होती है। किस किस को पसंद है मुझे ज़रूर बताइएगा। और यहाँ दम पे हमने इसको अच्छे से पका लिया, तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितने मज़े का आज का हमारा चिकन बन चुका है। और अभी हम इसको इंजॉय करने वाले हैं मज़ेदार सी गर्मा गर्म फुलके के साथ, चपाती के साथ, नान के साथ, जैसे आप चाहें। आइए आपको सर्विंग करके दिखाते हैं माशाल्लाह से कितने अच्छा बना है। और आप लोग ज़रूर बनाइएगा, अच्छा सा फीडबैक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप लोगों ने ये नहीं खाया तो ज़रूर खाइएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी आज की हमारी स्पेशल रेसिपी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, रेनी डे आपको मुबारक। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ढेर सारी दुआओं के साथ और आज की स्पेशल मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। हम बोलते हैं आपको आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।